और जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी आतंकी घटनाओं के बीच में सेना प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी आज जम्मू के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख यहां अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे, साथ ही नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा के हालात का जायजा भी लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आतंकियों के सफाई के लिए बड़ी रणनीति पर बात होगी। जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी शामिल होंगे। तो इससे पहले जनरल द्विवेदी जम्मू ने उधमपुर स्थित उत्तरी कमान की अगुवाई इन्होंने की थी और अब यहां जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए। जम्मू के दौरे पर हैं, अधिकारियों के साथ सेना प्रमुख की आज अहम मीटिंग होनी है। बीएसएफ के जवान भी यहां पर मौजूद होंगे। सुरक्षा पर उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा है, आतंकवादियों के खिलाफ यहां रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे, जम्मू पुलिस डीजी यहां पर मौजूद रहेंगे, बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और सेना प्रमुख का आज ये दौरा है। जम्मू के दौरे पर है सेना प्रमुख, ये खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। तो सेना प्रमुख यहां अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। जम्मू संभाग में बड़ी आतंकी गतिविधियों के बीच आज सीनियर ऑफिशियल जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी का एक महत्वपूर्ण दौरा जो है वो जम्मू में है और उसी को लेकर लगातार जो भारतीय सेना के जवान हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके को यहां पर घेराबंदी जो है वो कर दी गई है। बताया ऐसा जा रहा है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो एक सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर जम्मू में करने वाले हैं और उसके बाद अगर बात करें तो पूरी तरह से जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी आरआर स्वैन का एक महत्वपूर्ण दौरा और उसके बाद एक सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसे में लगातार सुरक्षा बल जो है हाल ही में जो आतंकी गतिविधियाँ जम्मू में बढ़ी हैं उसको लेकर एक अहम चर्चा जो है वो करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर जम्मू में एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ पर होने वाली है, जिसमें कि लगातार अलग अलग तरह के जो चैलेंजेस जम्मू संभाग में हाल ही में बढ़े हैं उनको देखते हुए ये बैठक जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीएसएफ के भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि लगातार ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब और जम्मू बॉर्डर से कई जगह से इन्विटेशन की जो वारदातें हैं वो सामने आई हैं। 50 से करीब आतंकी जो है वो जम्मू संभाग में एक्टिव हैं और ऐसे में जो चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हैं उससे निपटने के लिए ये जो सुरक्षा समीक्षा बैठक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जर्नलिस्ट मानी केनी सदरपुर आजी मीडिया जम्मू। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर के सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बताया जा रहा है कि 3000 सेना के जवानों की एक ब्रिगेड और 400 से 500 विशेष बल के जवानों को जम्मू रीजन में तैनात कर दिया गया है। तो जम्मू में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, ये तैनाती एक हफ्ते पहले ही कर दी गई थी और इसके साथ ही सीएपीएफ यानी कि केंद्रीय सशस्त्र सीआरपीएफ पुलिस बल की भी अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। और बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं के बीच में इसे जरूरी माना जा रहा है। तो इस तरीके से जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त की जा रही है। 3000 जवानों की ब्रिगेड जो है यहां पर तैनात की गई है और कैटेगराइज भी किया गया है और विशेष बल के 500 जवानों की तैनाती यहां होगी। आतंकी घटनाओं को लेकर के ये तैनाती जवानों की ओर बढ़ा दी गई है। पहले से ही जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बीएसएफ है, फिर आर्मी है, उसके बाद सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री की भी तैनाती यहां पर की जाती है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पुलिस है। लेकिन अब इनकी जो संख्या है, जो पहले से तैनात हैं सैनिक, उसमें इजाफा किया जाएगा। तो आतंकियों से लगातार एक तरफ एनकाउंटर मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है, जवानों के शहादत की भी खबरें सामने आ रही है और एक के बाद एक जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों में, जिलों में इस वक्त जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद अब सुरक्षा और ज्यादा दुरुस्त की जा रही है बॉर्डर एरिया की। तो जम्मू क्षेत्र में हाल के दिनों में आतंकी हमले काफी बढ़ गए हैं, चाहे रिहासी की बात करें या फिर नौशेरा, कठुआ, डोडा में पिछले एक महीने में 7 बड़े आतंकी हमले या मुठभेड़ यहां पर हुए जिसमें 12 जवान हमारे शहीद हुए। ऐसे में सेना प्रमुख का ये जो दौरा आज हो रहा है वो काफी अहम माना जा रहा है। क्यों, देखिए रिपोर्ट। पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर जम्मू रीजन में आतंकियों ने जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी हमले को अंजाम दिया है उससे ये तो साफ हो गया है कि आतंकी अब कश्मीर की जगह जम्मू रीजन को टारगेट कर रहे हैं। डोडा, किश्तवाड़, रियासी और नौशेरा के इलाके में हुए आतंकी हमलों में 12 जवान शहीद हो गए हैं, जिसके बाद अब आतंकियों को पूरी तरीके से सफाया करने के लिए रणनीति पर काम किया जा रहा है। ये भी खबर है कि इस समय जम्मू रीजन में 30 से 40 किलोमीटर के इलाके में तकरीबन 25 से 30 आतंकी छुपे हुए हैं।
जो आतंकी हमलों के लिए पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आतंकी गुरिला वॉरफेयर हिट एंड रन तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आतंकी जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर की हिट एंड रन टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें आतंकी पहले गोलीबारी करते हुए नीचे आते हैं और उसके बाद वापस जाते हुए अपने फुटप्रिंट जानबूझकर छोड़ के जाते हैं, ताकि सेना या अन्य सुरक्षा बल जो हैं वो उनका पीछा करें। जैसे ही सुरक्षा बल जंगलों तक पहुँचते हैं तो आतंकी घात लगाकर उन पर हमला करते हैं और बड़ा नुकसान जो है पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जम्मू रीजन में बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए अब सुरक्षा के लिहाजे से नई रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें जवानों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही जंगल के इलाकों में गश्त बढ़ाने और आतंकियों के ठिकाने और उनके मददगारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। इस बीच पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड से बड़ी साजिश का खुफिया जानकारी भी मिला है। बताया जा रहा है कि पीओके में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद है। आतंकियों को पाकिस्तान सेना की सुरक्षा मिली हुई है। ये आतंकी घुसपैठ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इन आतंकियों के निशाने पर जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, साथ ही सेना पर भी आतंकी हमले की साजिश है। सीमा पार से आए आतंकी यहां हमलों के बाद प्राकृतिक गुफाओं में छिप जाते हैं, जो घने जंगलों के बीच है, जिसे 20 मीटर की दूरी से ही इसे देख पाना संभव है। देसा जंगल है जहां पर लगातार तलाशी अभियान जो है आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया जा रहा है, और घने जंगल का इलाका है, मुश्किल से 20 मीटर भी विजिबिलिटी यहां पॉसिबल हो पाती है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आतंकियों की तलाश में जमीन से लेकर आसमान से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जंगली इलाकों का फायदा उठाकर आतंकी अब तक चकमा देने में कामयाब रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जम्मू में जनरल के दौरे के बाद ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंक पर निर्णायक प्रहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।